तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सेल्फ हेल्प में। तो आज का व्लॉग जो है मेरा बहुत ही लेट शुरू हो रहा है, बहुत ज़्यादा लेट शुरू हो रहा है क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। टाइम 12 बजने वाला है और मैंने सारा काम ख़त्म कर दिया है। सुबह कपड़े भी धोए, आज तो बहुत ही अच्छे से पूरा बर्तन वर्तन साफ़ किए, पोछा लगा, पूरे वाइपर से बेड के नीचे पूरा पोछा मारा। हालांकि मैंने पूरा इतना काम किया है, बट बच्चे को भी खाना वाना खिला दिया। आज चीकू भी स्कूल नहीं गया है क्योंकि उसको भी खांसी वगैरह हो रही थी, तो नहीं गया, वो भी नहीं गया है। अभी इसके पापा लाए हैं छाछ, हम पी रहे हैं छाछ। छाछ पीने का मन नहीं कर रहा, बट ट्राई करते हैं, क्या पता पी लें और पीने का मन कर जाए, तो इसलिए एक बार ट्राई करते हैं। और लाइट भी चली गई, बहुत गर्मी हो रही है, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा अंधेरे में आ रहा होगा मेरा फेस। बाहर थोड़ा बहुत बारिश हो रही थी अभी तक, अब बारिश नहीं हो रही है। और आजकल मैं ब्लॉग भी बहुत कम बना पा रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल सच बताऊँ तो मुझे बिल्कुल भी ताकत नहीं रहती कि ब्लॉग बनाने की। मैं फिर भी एक ट्राई करती हूँ कि मैंने जब शुरू किया है, कोई काम शुरू किया है मैंने, तो ऐसे उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो फिर भी मैं सोचती हूँ जितना मुझसे हो सकता है मैं करती हूँ। और चीकू भी आज घर पर ही है, ये बहुत शैतारी कर रहा है। कुकू चलो हाय बोल दो। और अब हम जा रहे हैं घूमने के लिए, अब इसका रिएक्शन देखना। अब हम जा रहे हैं घूमने के लिए, चूंकि हम घूमने जा रहे हैं ना। हाँ ये चलो चलो, ज्यादा हीरो मत बन, इसमें मेरा ये पकड़ रखा है। और हम जा रहे हैं अभी, थोड़ा देखते हैं अगर जाएंगे तो घूमने के लिए, क्योंकि मेरे को कुछ बाहर का खाने का मन कर रहा है, घर का तो मैं खा नहीं पा रही हूँ। तो देखते हैं अगर हम जाएंगे तो, क्योंकि इसके पापा का शाम को ऑफिस है 5 बजे ना, तो तब तक जा ही सकते हैं हम। ओह गॉड, तुमने एक पूरा पी लिया? नहीं तो पी ही नहीं रखे रहा। पी लेंगे ना, छाछ है, कोशिश करके तो पूरा पीती है। बहुत ठंडा है, ऐसे ज़्यादा ठंडा है। तो दोस्तों मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद, जैसा भी हम आगे करेंगे आप लोगों को मैं अपडेट देते रहूँगी। तो दोस्तों हम हो चुके हैं रेडी, ये भी हो चुका है रेडी। ये मेरा बहुत ही प्यारा बेटा है। बोल दो हेलो गाइस। हेलो गाइस, हम घूमने जा रहे हैं, बोल दो। आप भी आ जाओ, बोल दो। आप आ जाओ, बोल दो। गधे, तो हम लोग निकलने वाले हैं। दोस्तों हम तो आ गए हैं, देखो वहाँ पे, देखो इसको जगह पता है, वहाँ की पता है कहाँ टॉयज मिलता है। ये वाला नहीं, ये नहीं मिलेगा, और कुछ ही मांगो यहाँ से, मांगो यहाँ से, देखो कुछ खाने वाला देख लो, ये ले लो, ये अच्छा है। तो यहाँ पे चीकू और उसके पापा हैं, पीछे मैं हूँ। आज हम बाहर इसलिए आए हैं बेसिकली खाने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से मेरा कुछ खाने का मन कर रहा था, KFC का, तो सोचा क्यों ना आज जाके खा लिया जाए। तो हम अभी जा रहे हैं क्योंकि जो था कुछ और काम तो है नहीं यहाँ पे, सिर्फ उसी काम के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। तो अभी हम फटाफट से जा रहे हैं। ये है मेरा चीकू, जो यहाँ पुतला लगे हुए हैं उनसे बोल रहा है हेलो। तो यहाँ पे आ चुके हैं हम, देख सकते हो आप KFC है सामने में, और KFC के जहाँ पे हम बैठे हुए हैं वहाँ पे बर्गर किंग, वहाँ पे है मनागो, हाँ वहाँ है सबवे, ये सब यहाँ पे हैं। फिलहाल यहाँ बैठे चीकू, चीकू देखो, देखो इधर, देखो इधर, देखो। सुनो आप क्या खाओगे, जल्दी बताओ क्या खाओगे। अब हम ले रहे हैं कुछ खाने को, देखते हैं तुमको पसंद आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा जो है चिकन बर्गर वो आ गया है। हाँ मैं नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे इनका अभी बर्गर नहीं, रुक जाओ ना, अभी आने वाला है आपका ये चिकन है बेटा, ये नहीं खाते हो आप। और यह चीकू का, यहाँ पे आया ड्रिंक,
ड्रिंक देखो, ये ड्रिंक लेके आए हैं यहाँ पे हम, और ये बर्गर और ये। तो दोस्तों यहाँ पे मैं हल्दीराम का ड्रिंक लेके आई हूँ, और क्या लाऊं। ये है सिकंजी, स्वीट सिकंजी। जलजीरा की तरह होती है ये। तो यहाँ पे हमने मंगाया है ये बिरयानी, वेज बिरयानी विथ रायता और सलाद, सैलड जो बोलते हैं, और ग्रेवी के साथ। और यहाँ पे मैंने पी रहे कोल्ड ड्रिंक। कैसा लग रहा है आपको, मज़ा आया? खाइए, आप ट्राई कीजिए। अमृतसरी एक्सप्रेस, अमृतसरी एक्सप्रेस से मंगाया है हमने ये। ओके, तो फटाफट हम खाते हैं। दोस्तों हमने तो खा लिया है, हम निकल पड़े हैं और नीचे से लेते हैं एक आइसक्रीम, फिर जाएंगे घर को, क्योंकि हम बेसिकली यहाँ पे खाने के लिए ही आए थे और किसी काम से नहीं आए थे। यहाँ पर चीको खांसी भी हो रही है, उसे फ्रेंच फ्राइज भी खा लिए हैं। अब मैं इसको शहद खिलाऊंगी घर जाके, शहद सोए गए। क्या उठो, मैं ये अलग अब दिखाओ ना, इसमें से कौन सा सही लग रहा है। तो ये है मेरा चश्मा, प्लीज कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है ना। ये सुन तो, खुशी देख रहा, बोला कि बंदूक। ये देखो दोस्तों, यहाँ गर्ल्स का है। गुड़ी इधर से देख लो बेटा, अपने लिए कुछ कपड़े देखने आ जाओ, शूज देख लो, आ जाओ, सैंडल देखो, दीदी देखो। तो दोस्तों यहाँ पे जो टाइम हो चुका है, फिलहाल टाइम हो गया 5:30 का, और हम लोग घर आ गए थे। घर आने के बाद चीकू भी सो गया था, मैं भी सो गई थी, खाना वाना खा के तो आए थे हम। अब चीकू यहाँ पे अपना ये गेम खेल रहा है, देख लीजिए, इसने टॉयज फैला रखे हैं। वहाँ पे जो डॉक्टर सेट लेके आया था वहाँ से, वो फैला रखे हैं इसने। और यहाँ पे सैनिटाइजर एक गुड़िया लटा रखी है, और उसको पता नहीं उसका इलाज कर रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। तो ये चीकू हो रही है खांसी हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना उसको मैं वेजिटेबल सूप बना के दे दूँ, क्योंकि सूप सबसे अच्छा रहता है गले की गर्माहट के लिए, सबसे बेस्ट है सूप। तो बच्चों को सूप बना के दीजिए, जब अगर आपके बच्चों को भी खांसी वगैरह हो रही है तो फटाफट उसको बना के देती हूँ सूप। और आज लाइट 2 बार चली गई है यहाँ पे, पता नहीं क्यों गई है, मुझे नहीं पता, मम्मी से पूछ लेता है लाइट कितनी बार चली गई। मम्मी लाइट कितनी बार चली गई बताओ तो, कितनी बहुत बार चली गई ना, क्यों गई होगी आपको कुछ पता है इसके बारे में? कल भी तो बहुत घंटों तक दे दी, अल्लाह बहुत घंटों और यहाँ पे मम्मी मेथी बीन दी है, क्योंकि पापा जो है मेथी भिगा के खाते हैं मेरे, इसीलिए गांव की मेथी ही है ना, मम्मी खुशबू से पता चल रहा है ना, जो खुशबू आ रही है मेरे, तो इसीलिए। और बाहर का मौसम जब हम गए थे वहाँ पे घूमने के लिए, इतनी बारिश आ गई थी ना मम्मी, कितनी बारिश हो गई थी, भयंकर ना, भयंकर। मैं पता पूरे गाड़ी में भीग गई थी मैं, मतलब पूरा भीग गया था, अंदर तक पानी आ रहा था ना, क्योंकि हद से ज्यादा भीग गए थे। ऑटो में गए थे ना, इसलिए भीग गए थे। दर्द हो रहा है इसमें, तो उसमें हाथ मंदा बोला मैंने तुझसे, इसने इसके हाथ थोड़ा सा दर्द कटा हुआ था, तो उसमें सैनिटाइजर रह गया ना, तो उसको चोरी मचली होगी, तो रो रहा है ये। और ये देखिए पेड़ तक हमारे पूरे छत में आ गया, यहाँ पे आ गया छत में, पूरे ढह के पूरे पेड़ छत में आ गया, क्योंकि इतनी तेज बारिश, इतनी तेज आंधी आ गई। चलो चलो अंदर चलो, वो सैनिटाइजर से मत खेलो बेटा, वो गंदा है, उसको फेंक दो, उसको रख दो ऊपर, ये गंदा है ना, हाँ ये भी ले लो, लो ये नहीं।
क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए? लायन चाहिए? तो यहाँ पे जो मेरे चीकू का है, ये क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलती पब्लिक इसको, क्या बोलते हैं सूप, वो हो गया एकदम रेडी। इसको मैं एकदम मिक्स कर लेती हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे हो गया है सूप एकदम रेडी। अब इसको ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम पी लेंगे, समझे? तो आप भी पियो और हम भी पी लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि चीकू को हो रखी है खांसी, तो इसीलिए उसके लिए मैं एक एग बना रही हूँ। ये आप देख सकते हो, सिर्फ एक ही एग है और इसमें मैंने डाल रखा पिसा हुआ नमक, जो कि पापा ने पिस रखा है थोड़ा सा हल्का सा, क्योंकि वो पापा का पिसा हुआ नमक उसको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, बहुत ज़्यादा। और ये हनी मंगाया मैंने डाबर का, इसके लिए रात को इसको अदरक में इसको मैं दूँगी चीकू को। तो फटाफट उसके लिए बना देती हूँ एग, उसके बाद रात के खाने की तैयारी करती हूँ। आ रात के खाने में है, रात के खाने में बहुत सिंपल सा है आज, क्योंकि खाना खाने का आज मन करता नहीं है, तो सिंपल सा खाना रख रही हूँ। ये है प्याज, टमाटर और ये है पनीर। पनीर का आधा स्लाइस काट के चीकू के लिए रख दूंगी और आधे की पनीर की भुजिया बना दूंगी। बस खाने में आज इतना ही बनेगा, और छाछ है, छाछ पियेंगे और पनीर की भुजिया बनाऊंगी, कुछ ज़्यादा ताम झाम नहीं करना है। और यहाँ पे थोड़ा सा पनीर मैंने चीकू के रखा हुआ है, ये भी फ्रिज का है ठंडा अभी, तो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, तो फिर इसको काट के इसमें चाट मसाला डाल के चीकू को मैं दे दूंगी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है सब्जी बन चुकी है, और सब्जी थोड़ा सा बनी है और मैंने तरी वाली सब्जी बनाई है। पहले मैं सोच रही थी भुजिया बनाऊंगी, पर मैंने इनको फ़ोन किया कि आप भुजिया के साथ रोटी खा पाओगे कि नहीं, उन्होंने कहा कि चल ठीक है ऐसे कर, थोड़ा सा तरी वाली बना दे, तो इससे मैंने तरी वाली बना दी है और रस्सेदार बना दी सब्जी। इतना मेरे चीकू के लिए पनीर मैंने कट करके रख दिया है, और अभी इसको ढक देती हूँ, थोड़ी देर बाद वो खाएगा, क्योंकि उसने अभी आधे एक घंटे पहले थोड़ा सा एग खाया हुआ है एक, तो इसलिए अब उसको वो एक घंटे बाद खाएगा। तो दोस्तों, अभी चीकू के पापा जो है ऑफिस से नहीं आए हैं, लेकिन चीकू ने खाना खा लिया है, और मैंने अभी अभी उसके लिए बनाया, उसको खांसी हो रही, इसलिए मैंने उसके लिए अभी भी बनाया फ्रिज से। मैं लेके आई हूँ अदरक, और अदरक और ये शहद आप देख सकते हो, अदरक को अच्छे से कूट के शहद के साथ मिक्स कर रखा है मैंने, और मैं रात को उसको अच्छे से चटा दूँगी थोड़ा बहुत, ज़्यादा भी नहीं चटाना है, और क्योंकि वो बच्चे हैं अभी, तो थोड़ा बहुत चटा देना है ताकि उसकी जो खांसी हो उसको राहत मिले। उसमें कभी भी कोई भी चीज़ अगर बच्चों को होती है, तो मुझे लगता है कि पहले उसको तुरंत मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। जैसे ही बुखार आता है, इसके आज बुखार आया है, तो कल उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। उस दिन आप अपने होम रेमेडी उस पर यूज़ कर सकते हो। कभी कभी होता है कि थोड़ा बहुत ये इन्वायरमेंट के कारण, वैसे थोड़ा चेंजेस के कारण हो जाता है। अगर आज इसको ठीक नहीं हुई खांसी, तो कल मैं इसको ले जाऊँगी डॉक्टर के पास और लेके आऊँगी इसकी दवाइयाँ। और दवाइयाँ इस पहले से पड़ी है खांसी की, लेकिन कभी कभी होता है कि प्रॉब्लम कुछ और होती है, तो हमेशा एक जैसी दवाइयाँ नहीं होती है इसीलिए। तो फिलहाल मैंने और मेरे हस्बैंड ने खाना नहीं खाया, रोटियां मैंने बना दी है, चीकू ने खा लिया है, चीकू आते घर टीवी, मैं भी उसको बैठ के देती हूँ टीवी।